दोस्तों, अगर आप ऋषभ पंत को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही ऋषभ पंत ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ कर रख दी। इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड की टीम के सभी खिलाड़ियों के साथ साथ इनकी टीम के कप्तान बेन स्टॉक्स के भी होश उड़ा कर रख दिए। जी हां, इसके बाद बेन स्टॉक्स ने ऋषभ पंत पर उगला जहर। आखिरकार बेन स्टॉक्स ने इन पर क्या सनसनीखेज बयान जारी किया है, ये तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बेन स्टॉक्स और ऋषभ पंत में से कौन है शानदार बल्लेबाज? इसका जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की कप्तानी की कमान जसप्रीत बुमराह को दी गई। आज जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के नए नवेले कप्तान थे। बता दें, इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टॉक्स ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए आई भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। आप जानकर अचंभित रह जाएंगे कि भारत की टीम के 98 रन के स्कोर पर ही चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल, विराट कोहली, हनुमा विहारी और श्रेयस अय्यर जैसे 5 बड़े बल्लेबाज सस्ते में ही आउट हो गए थे। भारतीय टीम की पारी डगमगाती हुई नजर आ रही थी। अब एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में 150 रन ही बना पाएगी और इससे पहले ही ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे ऋषभ पंत ने इस मुकाबले की पूरी समीकरण ही बदल दी। ऋषभ पंत ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर लगभग 150 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी की। इसी दौरान ऋषभ पंत ने अपने 50 भी पूरे किए। ऋषभ पंत अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद और भी ज्यादा आक्रामक रूप से इंग्लैंड की गेंदबाजी पर प्रहार करना शुरू कर चुके थे और शानदार शतक ठोक दिया। ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में 20 चौके और 4 छक्कों की सहायता से 111 गेंदों पर 140 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इन्होंने इस मुकाबले में 130 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों को कितनी बुरी तरह से पीटा होगा। जहां देश और दुनिया में ऋषभ पंत की इस खतरनाक बल्लेबाजी की तारीफ हो रही है, तो वहीं इंग्लैंड की टीम के कप्तान ऋषभ पंत की इस बल्लेबाजी से खुश नहीं है और इन पर अपना सनसनीखेज बयान जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि हमारी टीम ऋषभ पंत के सामने अच्छे से गेंदबाजी नहीं कर पाई, वरना हमारी टीम में एक से बढ़कर एक खतरनाक गेंदबाज है। अगर वो सही अंदाज में ऋषभ पंत को गेंदबाजी कर पाते तो ऋषभ पंत 10 से 20 रन के स्कोर पर ही आउट हो जाते और वो शतक लगाने की तो दूर की बात है, अपना अर्धशतक भी पूरा नहीं कर पाते। अब हम ऋषभ पंत को इस मुकाबले की दूसरी पारी में 0 पर आउट कर देंगे और मुझे अपनी टीम की गेंदबाजी पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, ये था बेन स्टॉक्स का ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर बड़ा बयान। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत इस मुकाबले की दूसरी पारी में 0 पर आउट हो जाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।